नाना पाटेकर का नाम सुनते ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे धाकड़ एक्टर का चेहरा सामने आ जाता है जो एक्शन में भी उतना ही कामयाब है जितना कॉमेडी में, इमोशनल सीन में भी उतनी ही जान डाल देता है जितना बेबसी में। अपनी दमदार एक्टिंग और डायलॉग बाजी की वजह से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर नाना पाटेकर एक बार फिर से बड़े पर्दे पर छाने के लिए तैयार हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब एक्टर के साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो नाना पाटेकर को हिंदी फिल्मों से दूरी बनानी पड़ी? मुझे भूलना अच्छा लगता। आइए आज हम आपको उसी वाक्य के बारे में बताते हैं। दरवाजा छोड़ो। 10 साल पहले इसका जवाब दे चुका हूँ। अब जो झूठ है वो झूठ ही है। बात है साल 2018 की, जब मी टू मूवमेंट के तहत एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। तनुश्री का कहना था कि 2008 में आई फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के लिए उन्हें एक आइटम नंबर शूट करना था। शूटिंग के दिन नाना पाटेकर भी सेट पर मौजूद थे। शूटिंग के बीच नाना तनुश्री के नजदीक आए और वो तनुश्री को गलत तरीके से छूने लगे, जिसका विरोध करने पर नाना ने तनुश्री से बदतमीजी भी की थी। मीटू के आरोप के बाद नाना पाटेकर को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उन्हें फिल्म हाउसफुल 4 से भी बाहर कर दिया गया था। हाउसफुल 4 में लीड रोल प्ले करने वाले अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। अक्षय ने ट्वीट के जरिए कहा था कि वो किसी भी यौन शोषण के आरोपी के साथ काम नहीं करेंगे। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वेलकम 3 में भी नाना पाटेकर को जगह नहीं मिली। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायद अब वो पुराने हो गए हैं, इसलिए उन्हें फिल्म में नहीं लिया गया। जबकि 2019 में नाना पाटेकर को मी टू मामले में क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन उन्होंने लगभग 5-6 साल तक बड़े पर्दे से दूरी बनाई रखी। इस बीच वो Z5 की फिल्म तड़का लव स्टोरी इज कुकिंग के जरिए खाने में प्यार का तड़का लगाते जरूर नजर आए। फिल्म की शूटिंग 2016 में हुई थी, लेकिन फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के बाद भी इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं हो पा रही थी। या यूं कहे कि नाना पर लगे आरोप के बाद फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी। आखिरकार OTT पर 2022 में फिल्म को स्ट्रीम किया गया। एक लंबे अरसे के बाद नाना पाटेकर विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म वैक्सीन वॉर में नजर आएंगे। ये फिल्म 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। जाहिर तौर पे नाना पाटेकर के फैंस उनके कमबैक से बेहद खुश होंगे।